विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और सभी दलों के नेता नामांकन कर चुनावी मैदान में ताल ठोकने को आतुर हैं। मेरठ में सभी दलों के नेताओं ने अपना नामांकन कर चुनावी ताल ठोक दी है। हस्तिनापुर से सपा गठबंधन के प्रत्याशी योगेश वर्मा ने चुनावी नामांकन के बाद अपनी जीत का दावा किया। को नहीं लड़ाएंगे, जिसको भी वो सिंबल दे देंगे सब उसी को चुनाव लड़ाएंगे। चुनौती क्या, हम तो अब कुछ लोग तो अभी चुनाव में लगे हैं, विधायक जी मंत्री जी बन के भी अभी आए हैं क्षेत्र के अंदर, हम तो हर समय क्षेत्र में रहते हैं, चुनौती अभी तक किसी से नहीं है। बाकी बात यह है, अभी मैंने कहा जब सरकार होती है किसी की, जुमलेबाजी की सरकार है, झूठे वादे वो करे हैं लोगों से, क्षेत्र में विकास करने का वादा किया है, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, तो अब वहाँ का चौमुखी विकास होगा। मैंने कहा कि हस्तिनापुर को द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराने का समय आ गया है, ये कहते हैं कि हम काम करने की कोशिश करते हैं। वहीं सिवालखास से भाजपा के प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और जो लोगों को बरगला रहे हैं उन्हें चुनाव नतीजों के दिन पता चलेगा। गठबंधन कहाँ है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है भाई, किसानों को तो वहाँ नजरअंदाज किया गया है, और मैं किसान का बेटा हूँ, सारे किसान हमारे साथ रहेंगे, किसान कहाँ जाएंगे। इसलिए सिवालखास पे कोई लड़ाई नहीं है, बहुत ही अच्छी सीट है, किसान भाई सब हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आप लोगों के सामने पहले भी विषय लोगों ने रखा होगा, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आंदोलन में किसान कहीं नहीं थे, आपने कहीं आंदोलन में संख्या देखी थी क्या? वो तो एजेंडे की राजनीति थी, हर पार्टी किसी ना किसी रूप से विरोध करना चाहती थी, किसानों का एजेंडा बना के विरोध कर रही थी, बाकी किसान तो खेत में है सब, कहाँ किसान विरोध में। प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिकता रखने की क्या जरूरत है, 5 साल से जितने विकास कार्य आदरणीय योगी जी ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है। किठौर से भाजपा प्रत्याशी सत्यवीर त्यागी ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और विपक्षी दलों से आतंकवादी जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यवीर ने कहा कि उन्होंने जितना विकास किया है किसी ने नहीं किया, इसलिए चुनाव वही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर पर हमारे सामने बहुत बड़ा माफिया और अपराधी और जिसको आतंकवादी भी कह सकते हैं, इस तरह के लोग चुनाव में आए हैं, और निश्चित तौर पर पहले भी हमने हराया और इस बार तो हम लगभग 50,000 वोटों से उसको हराने जा रहे हैं। देखिए, हमने लगभग 3 अरब के काम अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, जितना विकास 25 साल में कभी नहीं हुआ इतना विकास हमने किठौर विधानसभा क्षेत्र में कराने का काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनको हमने पूरा जमीन पर उतारने का काम किया है, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंची हैं, उसके कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें लगभग 500 के लगभग लाभार्थी ना हों, किसी न किसी योजना में लगभग हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने जो है हमारी सरकार ने फायदा पहुँचाया, लाभ पहुँचाया। वहीं बसपा से चुनावी ताल ठोकने वाले अमित शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं युवाओं के लिए काम करना है और उनके विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे टोल को खत्म करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम अमित शर्मा है, 47 कैंट विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं, और मेरा मुद्दा यह है कि मैं युवाओं की बातों को लेकर आगे बढ़ूंगा, और जितने 3 दशक से आप बता रहे हैं 1980 से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो तो आम वहाँ की जनता को पता लग चुका है कि कितना उन्होंने कार्य किया है और वो क्या कार्य कर रहे हैं। एक बार मुझे अब की बार जनता बिल्कुल मौका देगी, इस टाइम उनके पास विकल्प है और मैं उनके मुद्दों पर खड़ा उतरूंगा। मैं प्राथमिकता ये लेके जा रहा हूँ कि मेरा सबसे पहला तो लिंक रोड जोड़ने का पूरा प्रयास रहेगा, दूसरा जो वहाँ के टोल हैं, जो अननेसेसरी टोल जो वहाँ लगे हुए हैं, जिनके जो गरीबों को उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष लड़ाई लड़ूंगा, और उसके बाद मैं प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक अपने बूथ पर जो मेरे वहाँ के एरिया हैं मैं उनके पास जाऊँगा, खुद जाऊँगा चलकर, और उनके मुद्दों को उनसे पूछूंगा और उनके मुद्दों को सॉल्व करने का, उन्हें समाधान करने का कार्य करूँगा। मेरठ कैंट से भाजपा प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने कहा
कि उनकी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा के साथ मेरठ का विकास रहेगी, जिससे लोगों को सहूलियत मिले। प्राथमिकताएं मेरठ का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, नवयुवकों को स्वरोजगार और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। लोकल मुद्दे खाना, मेरठ का विकास, मेरठ को गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा की तर्ज पर विकसित करना, यहाँ की यातायात की समस्या को और सुचारू रूप से ठीक करना। क्या सरकार बन रही है, क्या समस्या? सरकार तो बनी बनाई है, सरकार का तो रिन्यूअल होना है, वो 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा। आपका प्रतिद्वंदी कौन है? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई पीछे से लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तीव्र गति से विजय की ओर बढ़ रहा हूँ। इस तरीके से मेरठ की विधानसभाओं से प्रत्याशियों ने नामांकन कर अपनी चुनावी ताल ठोक दी है, लेकिन देखना ये होगा कि जनता किन नेताओं को अपना सिरमौर बनाती है और किसे सड़क पर लापटकती है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।